दोस्तों पहुंच चुके हैं और अभी कुछ लोग आए नहीं हैं, तो जो आए हम पहुंचे हैं उनका ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं क्या क्या दिक्कत परेशानी से सब लोग झेल के आए हैं, दिखा रहे हैं। इसी तरह बने रहिए। तो यहाँ पे राधा हैं और जो कि यहाँ पे और लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं मस्त स्वस्थ होंगे और आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए जो कि हमसे दीदी मिलने आई हैं, दीदी हमसे मिली थी वहाँ पार्क में, हेलो, तो हम अच्छे से नहीं मिल पाए थे क्योंकि उस समय भीड़ इतनी ज़्यादा थी, हम किसी से भी अच्छे से नहीं मिल पाए। तो अब जो लोग आ रहे हैं उन लोगों से मिल रहे हैं अच्छे से। तो आप लोग दीदी के चैनल का नाम सुन लीजिए और अपनी मजबूरी अपने आप बताएं तो ही ज़्यादा अच्छा है। हम ये सोचिए बताइए, मेरा नाम भूमि है और मेरा चैनल का नाम भूमिका ब्लॉग ऑफिशियल है। क्या नाम है? भूमिका ब्लॉग, भूमिका ऑफिशियल, भूमिका ब्लॉग ऑफिशियल है। तो मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों जो कि मैं बता दूं दीदी, मतलब किसी के सामने अपनी अपनी मजबूरी नहीं लाना चाहते तो अच्छी बात है, ना लाए तो ही ठीक है, हम भी यही चाहेंगे। और देखिए जो कि दीदी को आप लोग जानते हैं, इनका एक हादसे में, ये पहले कंपनी में काम करती थी तो वहाँ पे इनके साथ छोटा सा हादसा हो गया था जो कि आप लोग देख सकते हैं। दीदी के मतलब इस तरीके से मतलब हाथ थोड़ा हो गया है, तो खैर कोई बात नहीं, फिर भी हिम्मत बानी है। हमको ये देख के बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हैं कि हमारे पास जो आया वो हिम्मत बांध के आया है। तो बस हमको बहुत अच्छा लगा। दीदी ऐसी हालत में फिर भी आप लोग यकीन मानिए हर एक चीज़ करती हैं, ये बहुत सही है। और देखिए मैं बता दूँ आपको क्या करती हैं, पार्लर मेकअप का सारा सामान जाती है पार्लर से, पार्लर भी करी हैं, सिलाई भी पूरी करती हैं। अपने जो ब्लाउज पहना इन्होंने खुद सिल के पहना है, अपनी बच्ची को जो कपड़ा पहनाती हैं यही सिल के पहनाती हैं और घर के सारे काम यही करती हैं और अकेली हैं अपने बच्चों को संभाल रही हैं। दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। और जब ये हादसा इनके साथ हुआ था एक भी बच्चे नहीं थे, हालांकि अब दो बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है इतनी बड़ी और छोटा सा बच्चा है। तो सोचिए इन लोगों ने इन्होंने किस मुसीबत से इस चीज़ को झेला है, आप लोग समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। पब्लिक मेरी इतना सपोर्ट कर रही है तो दीदी का सपोर्ट करेगी मुझे पूरा की ना। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दीदी का सपोर्ट जरूर करिएगा। और अब आइए मिलाते हैं दूसरी दीदी से, जो कि दीदी आई हैं कहाँ से आई हैं? मैं नोएडा से आई हूँ। नोएडा से आई हैं और ये भी अपने काम की छुट्टी करके आई हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि, देखिए मैं आप लोग को बता दूँ, अगर दिल्ली में कोई है, दिल्ली क्या अगर गांव से बाहर कोई है तो कमाएगा तो ही खाएगा, चाहे वो पानी पी रहा हो चाहे कुछ भी है, कुछ कमाएगा तो ही खाएगा चाहे कुछ भी हो टोटल चीज। तो आज दीदी काम की छुट्टी करके आई हैं, जो कि आज आप खुद तो करी हैं, अपने हस्बैंड की भी करा दी हैं क्योंकि इनको आज का एक भी रुपए नहीं मिलने वाला है। और सोचिए देखिए मिलनी है इतना बहुत। और देखिए दीदी हैं बिहार से, हम बिहार से, बिहार से हैं और यहाँ पे दिल्ली में रह के काम करती हैं। तो काम के साथ साथ देखिए यूट्यूब पे आई हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं यूट्यूब पे पब्लिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब को देख के पब्लिक बैठ जाओ इधर कि कुछ पेमेंट आएगा चाहे कुछ भी। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देखिए दो दो काम कर रही हैं दीदी, एक तो पहला यूट्यूब पे हैं, दूसरा काम कर रही हैं और दोनों तीनों काम कर रही हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत और मुसीबत मेरा चैनल का नाम है पूजा उमेश, दीदी ने मेरे चैनल में अपना वीडियो में नाम लिखी। हाँ हाँ, लोग वीडियो जब बनाए थे पिछली बार गाँव में थे तभी ना, तो आप लोग दीदी के चैनल का नाम एक बार और सुन लीजिए, पूजा उमेश 1936 मेरा चैनल का नाम है। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा क्योंकि बहुत मेहनत करती हैं और शहर में रह के वीडियो और काम को लेके दीदी इतना मेहनत कर रही हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और चलिए आइए अब मिलाते हैं दूसरी दीदी से, तो बोलिए बोलिए हमारे चैनल, अपने चैनल का नाम बताइए। मेरा चैनल का नाम है स्नेहा कमलेश। दोस्तों ये दीदी नहीं है, अभी इनको नॉलेज नहीं है कैसे ब्लॉगिंग करनी है, कैसे ब्लॉगिंग में बोलना है, नया नया हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आई हैं तो बताया गया है इनसे कि ऐसे वीडियो बनाइए ऐसे वीडियो बनाइए, क्योंकि इतने समय आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का ब्लॉग नहीं चल रहा है, तो ये लोग दीदी आज चैनल बनाई एक दो महीने हुआ तो इन लोग का क्या चलेगा। तो वही हम लोग समझाएं कि दीदी आप ब्लॉग छोड़ के शॉर्ट वीडियो बनाइए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाएंगी तो आपका चैनल भी थोड़ा मोनेटाइज जाएगा अगर फर्स्ट टाइम इकट्ठा कर लिए 3 महीने के अंदर। तो क्योंकि पहले जब लॉन्ग से चैनल मोनेटाइज होता था तो हम जानते हैं कितना पड़ बेले हैं, जब फुल से मोनेटाइज होता था और अब तो शॉर्ट से मोनेटाइज, और आप तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग का वीडियो कैसा चलता है शॉर्ट का, तो अब चाहे तो चैनल मोनेटाइज अच्छे से कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं दीदी अभी नहीं है, सीख जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग दीदी के चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और जाइए इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यार प्यारा कमेंट करिए ताकि इनका उत्साह, कमेंट करके जरूर आप बताइएगा सबके कमेंट पे जिसका जिसका चैनल का नाम बोला गया। ये हौसला दीजिएगा इन लोग को, दीदियों को ये आप लोग हौसला दीजिएगा कि ये लोग जो चीज़ में हिम्मत बांध के कर रही हैं वो चीज़ ये
ये लोग अच्छा कर रही हैं, बुरा नहीं कर रही हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और इसी तरीके से बने रहिए, अभी कुछ लोग और आ रहे हैं तब दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो का एंड नहीं करेंगे, वीडियो एंड कर देते हैं तो उसके बाद आते हैं सब लोग, तो फिर दिक्कत होता है ब्लॉगिंग करने में, एंड करने के बाद ब्लॉगिंग तो एंड कर दो ना। चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग चैनल पे जाइए, इस वीडियो को हम अपलोड करने जा रहे हैं और दीदी की वजह से आप लोग देख रहे हैं, दीदी की मजबूरी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो दीदियाँ आई हैं वो लोग भी जानते हैं कि इनकी मजबूरी ज़्यादा है, तो प्लीज़ इस वजह से इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, आप लोग देखिए। और दीदी का और जो इसके बाद ब्लॉग अपलोड करेंगे वो कल करेंगे, अच्छा सा होगा, वो कल आएगा। तो चलिए, बाय बाय, सभी लोग बाय करेंगे, नमस्ते।